स्मृति। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, सब लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास नाइन्थ का मैथ्स पढ़ रहे थे, और मैथ्स में भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग मैथ्स में ज्यामिति पढ़ रहे थे। तो चलिए इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आपको मालूम भी होगा कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पूरा का पूरा ज्यामिति पढ़ लिया था, ठीक है? पूरा का पूरा ज्यामिति क्या हो गया था, हम लोगों ने पढ़ लिया था, और हम लोगों ने ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर लिया था, ये पूरा यूनिट हमने खत्म कर लिया था, ठीक है? तो आज क्या होगी, आज इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। हम लोग इस क्लास में क्या करने वाले हैं, हम लोग इस क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। तो रिवीजन किस चीज का करेंगे, तो मैंने सोचा कि बच्चों को सर्कल को ही पढ़ा दिया जाए, दोबारा दोबारा रिवाइज कर दिया जाए, क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी प्रॉब्लम करते हैं कि सर हमें ये चीज नहीं आई, ये चीज नहीं, आप सिखा दो। तो मैं उन लोगों के लिए दोबारा से ये क्लास ले आया हूँ एक रिवीजन के तौर पर, ठीक है? क्या आप लोग को इतना बात समझ में आ गया कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग वृत्त को ही रिवाइज करने वाले हैं, कहने का मतलब ये है छोटा सा, ठीक है? ओके, गुड। बढ़िया, तो हम लोग ये रिवाइज ओके, ठीक है। चलो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और देखो, अगर आपको जवाब आएगा तो तुरंत चैट बॉक्स का यूज करना और आंसर कर देना, ठीक है? अगर आपको आंसर आता है तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बेसिक बातें सिखा देना चाहता हूं। वृत्त क्या होता है, कोई बताएगा कि वृत्त क्या होता है? बताओ, यहाँ पे कुछ आकृतियां मैं बना रहा हूं। ये मैंने तीन आकृति बताई, बताओ कौन सा वृत्त है? मान लेते हैं ये पहला फिगर है, ये दूसरा और ये तीसरा, कौन सा फिगर वृत्त है? बहुत बढ़िया, सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं कि सर हाँ, पहली वाली जो आकृति है वो क्या है, वृत्त है, ठीक है? देखो बेटा, ये रिवीजन क्लास है, एकदम आराम से पढ़ेंगे, बिना टेंशन के, बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे, और हम लोग एक एक चीज को रिवाइज कर लेंगे इस क्लास में, ठीक है? चलो, तो आपने सीखा कि इन तीनों ही आकृतियों में सिर्फ और सिर्फ एक ही आकृति वृत्त है, जो कि ये है, ये जो आकृति आप देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं वृत्त, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्या, सर्कल, ठीक? इतना समझ में आ गया, बढ़िया। चलो एक बात बताओ, अगर यह वृत्त है और यहां पे मैंने एक बिंदु बना दिया और मैंने बोल दिया कि यहां से वृत्त पर जितना भी लाइन खींच लो तुम, ये आपस में बराबर होते हैं, यानी कहने का मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में बराबर हैं, तो इस लाइन का नाम क्या है, बताइए, चैट बॉक्स का यूज दिख रही है कर। मैं देखो बेटा, माइक मत ऑन करो, ठीक है? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, उतना कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर कोई जेन्यून डाउट हो तब पूछना, है ना? क्लास को डिस्टर्ब ना करना, कहने का मतलब ये। हाँ बिल्कुल, सवाल पूछ सकते हो आप, बिल्कुल पूछो। ठीक है, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये जो लाइन आपने खींचा इसको बोलते हैं रेडियस, या फिर इसको बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है? मैं आप लोग से एक बात पूछना चाहता हूँ, ठीक है? एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो त्रिज्या है, ठीक है, ये जो त्रिज्या है, क्या ये हर जगह बराबर होगी? कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं इसका नाम मैंने दे दिया ओ, इसका नाम दे दिया ए, और इसका नाम दे दिया बी, और मैंने आपसे बोल दिया कि ओ ए की जो लंबाई है वो है 6 सेंटीमीटर, और मैंने आपसे पूछ लिया कि बताइए ओ बी की लंबाई कितनी होगी, तो आप क्या उत्तर देंगे, बताइए आप क्या उत्तर देंगे? अगर मैंने पूछा आपसे कि OA की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो OB की लंबाई बताइए, सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये बराबर होगी, क्योंकि त्रिज्याएं एक ही वृत्त की बराबर होती है, और ठीक है, और अगर वह 6 सेंटीमीटर है OA, तो OB भी 6 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है बेटा? बढ़िया, सब लोग एकदम सही आंसर कर रहे हैं बिना किसी दिक्कत के, सबका आंसर सही है। चलो अब मेरे को एक बात बताना,
ये जो बिंदु ओ है, इस बिंदु का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बिंदु ओ? इसको किस नाम से जानते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए। ये कला मलिक नाम से जो बच्चा है, ये अपना कैमरा बंद कर लीजिए आप, ठीक है बेटा? बढ़िया, सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर, यानी कि इसका नाम क्या है? सेंटर है। तो इस चीज को मैं इरेज करके यहाँ पे लिख देता हूँ सेंटर। सर, संजय चौहान नाम से जो बच्चा है ये क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, ये क्लास में बातें कर रहा है। एक सेकंड मेरे को देखने दो तो आप, बिल्कुल अगर ऐसी बात है तो मैं इसको ठीक है रिमूव करता हूँ। संजय नाम बताया ना, ओके ठीक है, तो संजय को मैं क्लास से बाहर कर रहा हूं। जी हाँ बिल्कुल, संजय चौहान को मैं क्लास से बाहर कर रहा हूं, ठीक है? क्लास में आप लोगों से बार बार बोला जाता है कि परेशानी ना क्रिएट करो। चलो ठीक है, यहां तक आप थिंक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? सर चलो क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ कि हाँ जी पूछिए। सर मैंने बुक में देखा था कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो 50 चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय करेगा सर वो? उसकी परिधि आप निकाल लो बेटा, ठीक है? अगर एक ओके परिधि सर, मतलब एक बार परिधि आप निकाल लोगे तो, और अगर वो 50 चक्कर काट रहा है तो 50 से गुणा कर देंगे। त्रिज्या आपने इस ठीक है वृत्त का सर, कितना बताया? 14 सेंटीमीटर हेलो, त्रिज्या। ठीक है हेलो, जी। हाँ हेलो, आवाज कड़ा इसकी। हाँ हेलो, हाँ बताइए, हेलो, हाँ बताइए, हेलो, आवाज आ रही है कड़ा मेरी? इसमें अल्लाह, ये तो बड़ा बोलिए। सही है। हेलो, इतना शोर क्यों हो रहा है? इसीलिए मैं बोलता हूँ कोई भी माइक नहीं ऑन करेगा, सब लोग अपना माइक बंद करो। तो यही दिक्कत होती है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है माइक ऑन करने के बाद पूरी की पूरी क्लास डिस्टर्ब हो गई। कोई भी अब माइक नहीं ऑन करेगा, ठीक है? सारे बच्चे माइक ऑफ रखेंगे। कुछ भी पूछना है, ठीक है, कुछ भी पूछना है तो चैट बॉक्स का यूज करिए। पूरी की पूरी क्लास डिस्टर्ब हो गई। देखो आप, मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि मान लेते हैं एक वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पे एक इसका केंद्र बिंदु है, ठीक है, ये केंद्र है। और अब इस वृत्त पर किसी भी दो बिंदु को ले लीजिए, एक बिंदु मान लेते हैं ए ले लिया मैंने और एक बिंदु बी ले लिया मैंने, ठीक है, इन दोनों को ही मैंने मिला दिया, इस प्रकार से मैंने मिला दिया, ठीक है, समझना आपको। अब बताइए इस ए बी रेखा का नाम क्या होगा? कितने बच्चों को याद है किस ए बी को क्या बोलते हैं? कॉर्ड, जीवा, गुड, बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात कि आप लोगों को ये सारी चीजें याद है ना, बहुत ही बढ़िया। अब याद होना भी चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, ठीक है बेटा, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं तो याद होनी चाहिए। तो इस जीवा का परिभाषा क्या है, या जीवा किसको कहते हैं? तो किसी भी वृत्त पर आप दो बिंदु ले लीजिए और उन दोनों को ही मिला दीजिए। चलिए मैं इस बार ग्रीन कलर से मिला देता हूं इन दो बिंदुओं को। इन दोनों ही बिंदुओं को मिला देंगे तो ये जो लाइन बनती है ना बेटा, इसी लाइन को बोलते हैं क्या? जीवा, ठीक है? हाँ हेलो हेलो हेलो, ये गली में जिस नाम से बच्चा आया है, बोलना चाहते हो तो बता दो, अगर आप कुछ बताना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो। दलीप कुमार, दिखाई बच्चों मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? रही। यस चैट सर। बॉक्स में आंसर कर दो। नो सर। दिखाई दे रही है बेटा, दिखाई दे रही है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रही है तो क्लास को नहीं रीज्वाइन कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, दलीप कुमार नाम से जो बच्चा है, अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, हाँ कुछ पूछना है क्या? आपको कुछ पूछना है?
हेलो। प्रदीप बोल रहा हूँ सर। हाँ बताइए। पूछना तो कुछ नहीं अंकल। तो माइक क्यों ऑन किए हो जब पूछना नहीं है तो? माइक बंद करो और है कैमरा भी बंद करो। मैं सोचता हूँ यार कुछ पूछने वाला होगा बंदा। बताओ ये क्लास को डिस्टरबेंस कर रहे हैं। क्लास को कोई भी बच्चा डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? क्लास को चलने दो अच्छे से। हाँ बिल्कुल, आज क्लास डिस्टर्ब हो रही है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है आज क्लास। ऐसा होता नहीं है कभी। मैंने अगर ये कभी दोबारा से कंप्लेन आई, ठीक है, संजय और रामकुमार की, तो मैं इस बार इस तरीके से निकालूंगा कि मैं किसी भी क्लास में एंटर नहीं करने दूंगा, ठीक है? मैंने ठीक है, नहीं तो अब ये बातें नहीं होनी चाहिए जो भी दिक्कतें आ रही हैं। मेरे को पढ़ाने दो और अपने पढ़ो आप लोग। तो मैंने आपको सिखा दिया कि जीवा क्या होती है, आई थिंक सारे बच्चों ने सीख लिया, ठीक है? चलो मैं आप लोग से अब एक सवाल पूछता हूँ, मेरी बातों को ध्यान से देखना, ठीक है? मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, ठीक है बेटा, और यह इसका केंद्र है, और एक लाइन को मैंने गुजार दिया इस केंद्र से, ठीक है? देखना, इस लाइन को मैंने गुजार दिया इसके केंद्र से। सारे बच्चे बताइए कि इस लाइन का नाम क्या होगा। मान लेते हैं ये है ए, ये है बी, बताइए इस लाइन का नाम क्या होगा, कौन बताएगा? चलिए चैट बॉक्स में आंसर आने लगा कि सर इसको डायमीटर बोलते हैं या फिर इसको व्यास बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात, ठीक है? अब मैं आपको इस चीज को सिखा देता हूं। देखो बेटा, मान लेते हैं अगर कोई जीवा है आपने खींचा, ठीक है, कोई भी जीवा आपने खींचा किसी भी वृत्त में, और यह केंद्र से गुजर रहा है, यह केंद्र से गुजर रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्यास, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे इसको डायमीटर, ठीक है बेटा? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे फिर? डायमीटर बोलेंगे, ठीक है? जैसे कि ये वाली जो लाइन आप ग्रीन कलर से देख रहे हो, इसको बोलेंगे क्या? डायमीटर, ठीक है? मैं इसको और अच्छे से समझा देता हूं आप लोगों को, ठीक है? एक बार मैं और बता देता हूं ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से आ जाए ये चीजें जो भी है। चलो मान लेते हैं यह एक केंद्र है और यहां से एक लाइन ऐसे गुजर रही है, देखो ऐसे, तो ये वाली जो लाइन गुजरी, चलो इसका नाम मान लेते हैं है सी और ये है डी, तो ये जो सी डी रेखा है बेटा, इसको बोलेंगे हम लोग क्या? व्यास, या फिर इसको बोलेंगे क्या? डायमीटर। क्या यहां तक आपको समझ में आ गया? अगर हाँ तो वाई लिखिए, और अगर नहीं तो एन लिखिए, ठीक है? अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो वाई लिखिए, ठीक है? ओके, गुड गुड, बढ़िया, ठीक है, यस, ओके। बेटा एक मिनट, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगेगी, ठीक है? यस, हाँ बताओ, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? चैट बॉक्स में रिस्पांस करो, वाई या एन, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो अब सीखेंगे हम लोग वृत्त की परिधि और इसके परिमाप, यानी कि दोनों ही बातें सेम है, या तो परिधि बोलो आप लोग या फिर परिमाप बोलो, ठीक है? परिधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो परिधि को बोलते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है? सरकमफेरेंस। और परिमाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परिमाप को बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है बेटा? इस चीज को हम लोग समझेंगे आखिर ये होता क्या है। देखिए मान लेते हैं मैंने कोई वृत्त इस प्रकार से खींचा, ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो बाउंड्री, बाउंड्री देख रहे हो ना वृत्त का, वो जो बाउंड्री मैंने बनाया रेड कलर से, उसी को बोलते हैं वृत्त की परिधि। वो डिस्टर्ब कर रहा है बार बार। संजय चौहान,
अच्छा, इतना इतना सिखाया जा रहा है इसका, संजय। ठीक है, मैं इसको क्लास से बाहर ही कर देता हूँ फिर। बहुत शिकायत आ गया इसका, संजय का नाम वो है। बच्चे मेरा नाम ले रहे हैं, वो कर रहे हैं। संजय तुम्हें क्लास से बाहर कर रहा हूं मैं, और इंटर भी नहीं करने दूंगा अब। और वो बोल नहीं रहा, वो मैसेज कर रहा है। ठीक है मैं समझ गया। ठीक है वैशाली, ठीक है मैं आपकी बात समझ गया, इसीलिए मैंने क्लास से बाहर कर दिया, और अब वो इंटरव्यू नहीं कर पाएगा चाह कर भी। इस वाले क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। ठीक, आराम से पढ़िए आप लोग। अब तो मैंने आपको सिखाया परिधि के बारे में, ठीक है, ये सारा का सारा तो नहीं आता, तो सीख लीजिए कि अगर आप एक वृत्त आते हैं, तो ये जो बाउंड्री आप बना रहे हैं, देखो ये जो बाउंड्री मैंने मतलब ये घेर के बना रहा हूं मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए, जो मैं बाउंड्री इस तरीके से मैंने राउंड 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 किया ना, इसी को बोलते हैं क्या, परिधि। ठीक, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गया होगा। और वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है, ठीक है बेटा, वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2π r। ठीक, तो ये वृत्त की परिधि का क्या है, सूत्र है, फार्मूला है। क्या आप लोग को ये बात समझ में आ गया, क्या आप लोग को ये बात समझ में आ गया कि अगर हमें वृत्त की परिधि निकालना होगा तो हम लोग 2π r का यूज करके निकाल लेंगे। आप कहोगे सर कैसे निकालेंगे, तो कुछ मत करना, पाई का मान रख देना और आर का मान रख देना। ठीक है, पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है। ठीक है, और आर का मान जो भी दे रखा होगा सवाल में उसको रख देना। जैसे मान लेते हैं कि उस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो आर की जगह पे 5 रख देना। ठीक है, मान लेते हैं उस वृत्त की त्रिज्या 3 मीटर है, तो आर की जगह पे 3 रख देना। तुरंत सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा परिधि के लिए। अब समझते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो तो कोई भी वृत्त, ठीक है समझना आप लोग, कोई भी वृत्त जितना भी स्थान घेरता है, जितना भी जगह लेता है, उसको उसका क्षेत्रफल कहते हैं। मान लेते हैं यह एक वृत्त है, तो देखो यह इतना जगह ले रहा है, ठीक है, इसको रखने में इतना जगह तो जाएगा ही जाएगा, जितना मैं कलर कर रहा हूँ, घेर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो स्थान होगा, ये जो घेर रहा है, इसी को इसका क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। बताओ वृत्त का क्षेत्रफल समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग खुद बताइए। ठीक है, बढ़िया, ओके गुड। गुड, आगे आपको, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करें, चलो क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, इसलिए मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया और अब पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, बेटा इसका आंसर करो आप लोग पोल सेक्शन में जाके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और जैसा कि आपको मालूम है कि सर रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है, तो रिवीजन है तो अच्छे से सीख लो, जो भी चीजें भूल चुकी हैं उनको रिवाइज कर लो, आपका और अच्छे तरीके से आ जाएगी ये, और अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। कोई कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, ओके। सारे बच्चे जाइए चैट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, पोल सेक्शन में भी आंसर करना, चैट बॉक्स ऑन कर दूंगा।
बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा, ठीक है। चलो अब मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया, जिन बच्चों को आंसर करना है चैट बॉक्स में, वो चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। यह एक रिवीजन क्लास है, ठीक है, इसलिए एकदम अच्छे से आंसर करना आप लोग। चलो इसको मैं अच्छा हूँ। कौन है ये बेटा? माइक मत ऑन करो, मनीष नाम से जो बच्चा है, ठीक है, माइक बंद करो अपना। मनीष नाम से जो बच्चा है, माइक बंद करिए अपना, ठीक है। ओके सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया क्या है कि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, वृत्त की परिधि, ठीक है, परिधि का सूत्र होता है कितना? 2 पाई आर। तो क्या करो बेटा, पाई का मान रख दो, पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है, और आर का मान दे रखा है कितना? आप देख सकते हैं इस वाले सॉरी इस वाले क्वेश्चन में आर का मान है 14 सेंटीमीटर, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक। अब गुणा करा दीजिए, 22 दूनी 44 और 44 दूना 88, तो इसका परिधि आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो विकल्प नंबर सी। बहुत ही बढ़िया, वैशाली ने देखिए एकदम अच्छे से लिख करके आंसर बताया कि सर इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे और तब जाके मेरे को आंसर मिलेगा 88 सेंटीमीटर। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि 88 सेंटीमीटर कैसे आ रहा है? बढ़िया, गुड, वेरी नाइस। चलो अच्छी बात है, सारे बच्चों को समझ में आ गया। तो आप लोगों ने देखा भी कि विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन, मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया, ठीक है बेटा, मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया। अब जाइए और इसका आंसर करिए, कहां पे? पोल सेक्शन में। चैट बॉक्स अभी ऑन करेंगे, भले आप लोग इसको सॉल्व करिए अपने मन से। सारे बच्चे जाइए और इसका आंसर करिए। ठीक है, मैंने अब चैट बॉक्स ऑन कर दिया, तो जिन बच्चों का आंसर आ गया वे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। राजेंद्र ने कहा कि सर ए आएगा इसका आंसर, योगिता ने भी कहा ए आएगा सर, पंकज ने कहा सी आएगा सर। शिखा ए, विक्रम, राहुल सी, अच्छा ठीक है। सवाना ने कहा कि सर 5 आएगा, यानी कि बी आएगा, अच्छा। कविता ने भी कहा ए, रजनी ने भी कहा बी, अच्छा ठीक। ओके ओके ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व ही कर लेते हैं, देखा जाए कि क्या आ रहा है इसका आंसर। क्वेश्चन है कि यदि वृत्त का परिमाप 10 पाई है ना, 10 पाई सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, वृत्त का जो परिमाप होता है, या फिर इसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं बेटा? परिधि बोलते हैं। तो उसके लिए सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर होता है ना, ठीक है, 2 पाई आर होता है। आप सवाल को ध्यान से देखोगे तो सवाल में इस वृत्त का परिमाप दे रखा है और इस परिमाप का मान है 10 पाई, इसलिए मैं इसको इरेज करके लिख देता हूं यहाँ पे, क्या 10 पाई। अब वृत्त का परिमाप का जो सूत्र होता है आप जानते ही हैं क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा? तो 2 पाई आर होगा। अब एक बात बताओ, पाई यहां पर भी है बेटा, पाई यहां पर भी है, क्या इसको हम लोग कैंसिल नहीं कर देंगे? बताओ आप, क्या हमको इस, हाँ बिल्कुल, इसको कैंसिल कर देंगे ना, ये कैंसिल हो जाएगा, तो होगा 2 आर बराबर 10, यानी कि आर बराबर 5 सेंटीमीटर। अतः विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर होगा।
बताइए कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गया? आप लोग तो ए बोल रहे थे, बताओ जितने बच्चे ए बोल रहे थे सबका गलत है, जितने बच्चे बी बोल रहे थे उन सबका सही है। और जब मैं पोल देख रहा हूं बेटा, एक बात बताऊं, मैं पोल देख रहा हूं तो सबसे अधिक संख्या सही आंसर वालों की कौन सी है? बी है ना, सबसे ज्यादा बी लोगों, बी वाले ऑप्शन को वोट किया गया है। ठीक है, अच्छी बात है, चलो पढ़ने वाले बच्चे तो हैं, ये तो बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो अच्छे से पढ़ेंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस ठीक है राहुल, मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, समझो। देखो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे देखो वृत्त का परिमाप दे रखा है, ठीक है, और इस परिमाप का मान कितना है? 10 पाई है। तो मैंने वृत्त का जो परिमाप है वो लिख दिया कितना? 10 पाई। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिख दिया, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। अब यह वृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है? तो आप जानते होंगे कि वृत्त के परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है कितना? 2πr। इस 2πr की वैल्यू किसके बराबर है? तो 10π के बराबर है। फिर मैंने कहा पाई से पाई काट दो, आराम से कट जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा 2r, लेफ्ट वाले साइड में 2r बचेगा, राइट वाले साइड में 10 बचेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया? अगर ये लाइन थोड़ा सा ऐसे लिख दूं मैं तो क्या पता आप लोग का कंफ्यूजन दूर हो जाए। आखिर 10/2 होगा ही होगा, क्योंकि ये अपना साइड चेंज करेगा, जब साइड चेंज करेगा तो 10 का आधा कितना होता है बताइए? 10 का आधा 5 होता है। ठीक, ओके, गुड। राहुल को समझ में आ गया ना? बढ़िया, गुड वैशाली, बढ़िया। बाकी बच्चे भी इसी तरीके से आंसर करिए जिस तरीके से वैशाली आंसर करती है। बेटा 30 सेकंड रुक जाओ, ठीक है, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगेगी, केवल 30 सेकंड रुक जाओ। ठीक है, यस, हाँ स्क्रीन दिखाई दे रही है, गुड गुड गुड। ठीक है, देखो बेटा एक बात बता देना चाहता हूँ आपसे, अगर मान लो पापा। ये जो भी है ना, इसको मैं क्लास से बाहर कर रहा हूँ फिर, और अब तुम इंटर होके दिखा देना, फिर क्लास में बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ठीक है, और ना ही तुम इंटर हो पाओगे अब इस क्लास में। हाँ तो मैं ये बता रहा था, सपोज दैट कि कभी कभी अगर क्लास की जो स्क्रीन है ना वो अगर दिखाई नहीं देती है या क्लास किसी वजह से कट जाती है, तो बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करो आप लोग कि सर कहाँ चले गए, क्या हो गया, क्या हो गया। नहीं सर, कुछ समय बाद यानी कि 30 सेकेंड 1 मिनट बाद तुरंत ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ परेशानियां आ जाती हैं, कभी कभी नेटवर्क में इशू आ जाता है, तो ये दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, आई बात समझ में? जिस बच्चों को ये बात समझ में आ गई वो वाई टाइप करिए, ठीक है। हाँ तो क्लास में डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, गुड बढ़िया, ठीक है, यस यस यस, गुड बेटा, एकदम अच्छे बच्चों की तरह थोड़ा सा वेट कर लिया करो, ठीक है, आखिर मैं आप लोग को पढ़ाने के लिए ही आता हूँ, कहाँ जा, ठीक है, पढ़ाने के लिए ना आऊंगा। कौन था ये था कौन? कोई नाम बताएगा इसका, जो भी बच्चा था ये अभी को? अच्छा मनोहर नाम से जो बच्चा है, ठीक है, इसको मैं क्लास से बाहर कर रहा हूँ फिर, ठीक है, मैंने, हाँ इसको क्लास से बाहर मैंने कर दिया, ठीक है, चलो ओके। तो आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आने वाला है, देखते हैं इसका आंसर कितने लोग सही करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे 3रा क्वेश्चन बेटा, मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, ठीक है, मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया और पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया, सब बच्चे जाइए और पोल सेक्शन में आंसर करिए, कोई बच्चा टाइप करके आंसर नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है।
ठीक है, मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है। सर एक बार क्वेश्चन बताना। रजनी नाम से जो बच्ची है वो देख सकती हो तुम, यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है और तुमसे त्रिज्या के बारे में पूछ रहा है बेटा। क्लियर हुआ रजनी? यस सर। गुड। देखो बेटा, मैं माइक ऑन करने के खिलाफ नहीं हूं, ठीक है? अगर आप लोग को कुछ भी पूछना है, लेकिन कुछ पूछना है तब ऑन कर सकते हो, डिस्टरबेंस के लिए ऑन मत किया करना, मेरी ये सलाह है आप लोगों को। जैसे देखो, अभी रजनी ने पूछा कि सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया या क्वेश्चन नहीं दिख रहा, जो भी है, व्हाट एवर इनका डाउट था, तुरंत पूछा, मैंने तुरंत आंसर कर दिया, फिर इन्होंने अपना माइक बंद कर लिया। तो ऐसे होना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप लोग ऐसे होते हैं तो मैं माइक भी ऑन करवा सकता हूँ, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। बट प्रॉब्लम क्या होती है, आप लोग माइक ऑन करते हो और डिस्टरबेंस करते हो, तो वो चीज अच्छी नहीं लगती है। लेकिन अगर इस तरीके से आपने पूछा क्वेश्चन और तुरंत बंद कर लिया तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बेटा, मैंने अब चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, ठीक है? जो बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में कर सकते हैं, और मैंने पोल सेक्शन को इंड कर दिया, ठीक है? बढ़िया। तो लोग बोल रहे हैं कि सर वाला जो बी वाला ऑप्शन है वही आएगा, यानी कि 14 सेंटीमीटर सर आ रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं बेटा। सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर 14 सेंटीमीटर आएगा आंसर, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो देखते हैं कि कैसे आ रहा है 14 सेंटीमीटर। देखो बेटा, यहाँ पे एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। देखो, मान लेते हैं यह एक वृत्त है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है इसने। और क्षेत्रफल कितना है, तो यह क्षेत्रफल है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या बताओ, ठीक? ये आपका सवाल है। चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस हिसाब से बेटा आप बताना, वृत्त का जो क्षेत्रफल है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई आर स्क्वायर। बताओ ये वाली लाइन समझ में आई कि नहीं आई, पहले इतना बताओ आप लोग। इतना समझ में आ गया ना? मैंने क्या किया, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, मैंने उसको एकदम उसके जगह पे रख दिया कि हाँ सर पाई आर स्क्वायर मैंने लिख देता हूं, और ये किसके बराबर होगा, तो ये 616 के बराबर होगा, क्योंकि सवाल में दे ही दिया है कि क्षेत्रफल 616 होना चाहिए। अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, तो पाई का मान सारे बच्चे जानते होंगे 22/7 होता है, मैंने यहाँ पे 22/7 रख दिया, और आर स्क्वायर का कुछ कर नहीं सकते हैं, तो अभी के लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब देखना, इस 22 का मल्टीप्लाई आर स्क्वायर से किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 22 आर स्क्वायर, ठीक है, बटे 7 बराबर 616। अब 7 का यहाँ पे बेटा तुम तिर्यक गुणा कर दो, ठीक है, तो क्या बचेगा, तो बचेगा 22 आर स्क्वायर बराबर 616 गुणे 7 बचेगा इस प्रकार से। अतः यानी कि देयरफोर वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर विल बी 616 गुणे 7/22। बताओ इतना समझ में आया, सबसे पहले बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया? अगर इतना समझ में आया तो हाँ आगे बताएं, चैट बॉक्स में लिखो। बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात। माइक ऑन मत करो बेटा, ये कौन है ये?
ऑन गेमर्स करके जो भी है ना, माइक बंद रखो अपना, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है? यस, सारे बच्चे बोल रहे कि सर इतना तो समझ में आ गया, इसके बाद क्या होगा देखना। इसके बाद आप लोग क्या कर दो, 616 को डिवाइड कर दो बेटा 22 से। कितने बार में जाएगा कोई डिवाइड करके बता सकता है? बताइए, देखें कौन इसको लगाता है। 616 को डिवाइड करो 22 से, कौन बताएगा बेटा? जो मैं पूछ रहा हूं बस उसका आंसर दो। मैंने वो बोला कि 616 को डिवाइड करेंगे 22 से, कितना आएगा आंसर? तो बता देता हूं मैं किन किन बच्चों ने सही आंसर किया। उमर अंसारी नाम से बच्चा है, उसने बोला कि सर 28 आएगा। विनोद गिरी का आंसर सही है, 28, बिल्कुल। फिर बाबू मलिक, इनका भी आंसर सही है। फिर किसने आंसर किया था, उमर अंसारी के अलावा, अभी के लिए विक्रम, शिखा, साहिल। हाँ, अब जाके आंसर आने स्टार्ट हुए। जी हाँ, तो जब आप इसको भाग देंगे, ठीक है बेटा, तो आएगा कितना, 28 आएगा। ठीक, चलो मैं इस चीज को इरेज कर देता हूँ, ये तो आप लोग कर ही करोगे, देखना। 28 × 7, क्यों? क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करोगे ना बेटा, तो ये 28 बार में कटेगा, ठीक है? इस प्रकार से तो आर स्क्वायर क्या होगा, 28 × 7 = 196 होता है। आप इसका गुणा करके देख लेना, तो आर स्क्वायर था 196, तो आर क्या होगा, रूट में 196, और 196 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 14 सेंटीमीटर। अतः जो सही विकल्प होगा वो कौन सा होगा, बी वाला। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो जो बच्चे बी वाला ऑप्शन लगाए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? साहिल, क्या डाउट है आपका, पूछिए। आप माइक ऑन कर लीजिए, साहिल माइक ऑन करके बताइए क्या डाउट है आपका। ठीक है साहिल, अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन कर लो, अब बता दो कि सर ये वाली डाउट है। अरे वाह, क्या बात है, वैशाली ने तो पूरा अच्छे से आंसर ही लिख दिया, बहुत ही बढ़िया, गुड, वेरी नाइस। चलो बेटा आगे बढ़े, ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है? अभी के लिए ये ऑप्शन बी है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, और इसलिए मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया, ठीक है? सारे बच्चे जाएंगे और पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। सारे बच्चे जाइए पोल सेक्शन में इसका आंसर करिए बेटा। बेटा कैमरा मत ऑन करो, ऑन गेमर्स के नाम से जो भी है, ठीक है, ऑन गेमर्स के नाम से जो भी बच्चा है, कैमरा मत ही ऑन करो अगर इस क्लास में पढ़ाई करनी है तो, और अगर इस क्लास से बाहर जाना तो ऑन कर लो, अभी तुरंत बाहर कर देंगे फिर। सर जी, पोल सेक्शन ऑन नहीं है। सर बेटा ऑन है, आप जाके देखो तो सही, एक बार जाओ देखो, दोबारा देखो। अच्छा हो गया, सर हो गया, थैंक यू। ओके गुड। गुड बेटा पवन, ठीक है, अच्छा काम किया आपने कि सवाल पूछ के तुरंत माइक बंद कर लिया। ऐसे ही आप लोग किया करो, है ना? अगर ऐसे करोगे तो मैं माइक ऑन करने से कभी नहीं रोकूंगा, ठीक है, कभी भी नहीं, ठीक है? जो भी सवाल है पूछ लीजिए, तुरंत माइक बंद कर दीजिए, जो भी सवाल है तुरंत पूछिए, माइक बंद, ऐसे रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं तब। बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा, ठीक है?
क्योंकि देखो अब ये रिवीजन क्लास चल रही है ना, रिवीजन क्लास में आप लोग को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आंसर्स करने चाहिए, जिससे पता लग सके कि हाँ आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है आपको कितना याद है ना। एक तरीके से रिवीजन तो है ही है, साथ में समझ लो एक तरीके से ये टेस्ट हो रहा है आपका, है ना। रिवीजन प्लस टेस्ट दोनों बातें हैं, क्यों? क्योंकि आप ये पढ़ चुके हो, और अगर आप पढ़ चुके हो तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि ये सब सवाल आप अच्छे से सॉल्व करके आंसर कर देंगे, ये आपसे उम्मीद की जाती है। ओके, तो अब बच्चों आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं चैट बॉक्स में, ठीक है। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया हुआ है, ठीक है। यस, बढ़िया बढ़िया, सब लोग बोल रहे हैं कि सर हाँ ठीक है। ओके, ओके चेक करते हैं आखिर इसका आंसर कौन सा सही है। ओके गुड बेटा, देखना लिखा हुआ है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप बताओ वृत्त का क्षेत्रफल जो सूत्र होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहां इस सवाल में त्रिज्या यानी कि आर का मान दे रखा है जो कि कितना है, 7 है, तो पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर का मान 7 है, और ये 7 का क्या होगा बेटा, स्क्वायर होगा, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, यही तो बराबर होगा वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल है, समझिएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 22/7 गुणे, देखो 7 कितनी बार हो जाएगा, 7 दो बार हो जाएगा, या फिर 7 का स्क्वायर कर दो, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। देखो बेटा 7 का स्क्वायर होता क्या, कुछ बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर 7 के ऊपर 2 लिखा है इसका मतलब है 7 को आपको 2 बार लिखना है, और दोनों बार का क्या करना है, इसका गुणा करना है। तो 7 7 कितना होता है, 49 होता है। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 49 लिखेंगे, लेकिन इस चीज से ये कट कर देंगे। तो जब बेटा इसको कट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 7, ठीक है, ये 7 आ जाएगा। रुको मैं इसको अच्छे से इरेज करके लिख देता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो, किसी भी प्रकार का डाउट ना हो किसी को भी। देखो कट करोगे 7 आएगा, अब ये 7 और ये 22 आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है, आपस में ये गुणा करेंगे, और क्या आएगा आपका आंसर, 4 और 15 यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। गुड गुड वैशाली, बढ़िया, साहिल का भी अच्छा आंसर है, ठीक है। उमर अंसारी बिल्कुल सही आंसर, गुड। कार्तिक नहीं बेटा 49 नहीं आएगा आंसर, ठीक है, 154 आएगा। आई होप आपने देख भी लिया कि कैसे आ रहा है 154, ठीक है। और इस चीज को मैंने समझाया है कि 7 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। बताओ यहां तक समझ में आ गया, अगर यहां तक समझ में आ गया बेटा तो वाई लिखो, और अगर नहीं समझ में आया तो एन लिख सकते हो। गुड, सीखा क्या नहीं समझ में आया, माइक ऑन करके पूछ लो बेटा। सीखा, शिखा नाम से जो भी बच्ची है, ठीक है, माइक ऑन करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। ओके ठीक है चलो, तो जैसा कि आपने देखा कि बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो फिर एक और क्वेश्चन करो, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, ठीक है। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया और पोल सेक्शन ऑन कर दिया, बेटा मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और तब जाके इसका आंसर कर दो, ठीक है।
कहाँ गए सर? हेलो, कौन था ये? कौन था? कोई नाम बताएगा इसका? सूरज सर। हेलो। हाँ सूरज, क्या कर रहे थे तुम? सर ये DRB के नाम से ये भी था। देखो आप लोग क्लास को डिस्टर्ब ना करो। जो भी बच्चा है, ये सूरज के नाम से जो भी है या फिर DRB जो भी है, पता नहीं क्या, ठीक है? तो ये क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज मैं क्लास से तुरंत बाहर करूंगा अभी। सभी बच्चे ध्यान दें, आप में से किसी भी बच्चे का माइक ऑन ना हो जब तक कि कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो। मेक श्योर आई एम देयर सर। ओके शुभम, यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, चलो ठीक है, यस। चलो चैट बॉक्स में इसका आंसर करो, सब बच्चे इसका चैट बॉक्स में आंसर करो। पोल सेशन में भी आंसर कर सकते हैं आप, लेकिन आपके लिए चैट बॉक्स ये, हाँ, ऑन कर दिया गया चैट। यस, बढ़िया। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सवाल में पूछा गया है कि यदि वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। वृत्त का परिमाप ये दे रखा है, ठीक है, कितना? 44 सेंटीमीटर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो वृत्त का परिमाप होता है, ठीक है बेटा, जो वृत्त का परिमाप होता है उसका सूत्र होता है 2 पाई आर, और ये किसके बराबर है? तो ये है 44 के बराबर। पाई का मान रख दीजिए आप लोग, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर इजिकल्स टू 44। आप देखेंगे तो ये 22 × 2 होगा, कितना हो जाएगा? ये 44 होगा, 44 r/7 = 44। तो इस 44 से इस 44 को आराम से काटा जा सकता है, और यहाँ पे 1 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, यानी कि लिख सकते हैं r/7 = 1, अर्थात r का जो मान आएगा कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये बताओ कि आपको इतना समझ में आया? अभी ये उत्तर नहीं है, अभी तो ये सिर्फ त्रिज्या निकली है, बस इतना बता दो आप कि क्या आपको इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। आपसे पूछा क्या था? आपसे इस सवाल में पूछा है बेटा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, आपसे पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल के लिए एक सूत्र होता है, क्या होता है? r/परिमाप/2, ठीक है, ये वाला सूत्र होता है, इसी सूत्र का प्रयोग करिए। r का मान क्या निकाला मैंने? तो r का मान मैंने निकाला 7, तो यहां पे रख दीजिए। परिमाप, ये तो सवाल में ही दे रखा था ना बेटा, 44, यहाँ पे 44 रख दो / 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कट हो जाएगा, यानी कि 22 आएगा, ठीक है, क्योंकि 22 × 2 = 44 होता है। तो बचेगा क्या? 7 × 22, यानी कि 7 × 22, और 7 का गुणा कराओगे आप 22 से, तो कितना आएगा? तो 154 सेंटीमीटर² आएगा। तो सही विकल्प होगा आपका विकल्प नंबर D। बताइए कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? जितने को आ गई वो वाई लिखेंगे, और जितने को नहीं आई वो एम लिखेंगे। गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ओके, गुड, ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया ना? चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना? अच्छा सवाल था ये, काफी ज्यादा अच्छा सवाल था, तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, यस। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, ठीक है बेटा, और पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। तो सारे बच्चे जाइए और इसका आंसर करिए कहाँ पे? पोल सेक्शन में। सारे बच्चे जाइए और इसका आंसर करिए कहाँ पे? पोल सेक्शन। बेटा सर माइक एक बार बंद, दोबारा वो क्वेश्चन रिपीट करना, मैंने स्क्रीनशॉट बेटा नहीं लिया। माइक बंद। कौन सा क्वेश्चन रिपीट करूं? ये वाला। करूं ये वाला?
बता दो कौन सा क्वेश्चन। सा क्वेश्चन सर जो आपने अभी सर जो किया आपने अभी था। किया था, अच्छा अभी किया था, क्या ठीक अभी है। किया था? ठीक, अच्छा अब बंद कर लो। अच्छा अब बंद कर लो। निकू जसपाल नाम से बच्चा है, अब ये माइक ऑन मत करना, ठीक है। मैं अभी रिवर्स जाके दिखा देता हूँ ये चीज क्या थी, ठीक है, क्योंकि जो आपका साउंड है या मेरा साउंड है वो इको हो रहा है, ठीक है, मेरा ही साउंड मेरे को सुनाई दे रहा है। ओके तो बेटा एक मिनट रुक जाओ, इनको दिखा दीजिए क्वेश्चन, ये रहा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। निक्कू जसपाल नाम से जो भी बच्चा था, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि सारे बच्चे जो आंसर कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, उसका कर सके, ठीक है। और अब मैं बढ़ रहा हूं आगे की तरफ, जो कि मैंने क्वेश्चन पूछा था। यस चलिए बेटा, इस क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन नंबर 6, और पोल सेक्शन में सारे लोग इसका आंसर करो, ठीक है। ठीक है सारे बच्चे इसका आंसर करिए, कहां पे, तो पोल सेक्शन में। ठीक है बेटा, काफी ज्यादा अच्छा सवाल है। चलो अब मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया, जो बच्चे चाहें इसका आंसर चैट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे चाहें इसका आंसर कहाँ पे कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में कर सकते हैं। और अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, इसको बताऊंगा कि आखिर इसका आंसर कैसे आ रहा है। ओके गुड, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये सवाल में दे रखा है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है बेटा, ठीक है, क्षेत्रफल वो है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि इस वृत्त का परिमाप क्या होगा, परिमाप यानी कि परिधि। अब परिधि का सूत्र जो क्या होता है, 2 पाई आर, या फिर परिमाप का और परिधि का दोनों एक ही बात है, उन दोनों का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो हमें क्षेत्रफल दे रखा है और परिमाप पूछ लिया है, कोई बात नहीं। आप क्या करो, यहाँ पे फार्मूला लगा दो वृत्त का क्षेत्रफल का। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका मान पहले से ही दे रखा है बेटा, कितना, 64 पाई। तो अब ध्यान से देखोगे तो इस पाई को इस वाले पाई से कट कर सकते हैं, यानी कि आएगा ये आर स्क्वायर बराबर 64, ठीक है। बताओ बेटा यहां तक समझ में आया, अगर हाँ तो वाई लिखो, अगर इतना समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई लिख दो, ताकि मैं समझ जाऊं कि हाँ इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब मैं आगे बताऊं फिर, आ गया ना, अरे वाह बढ़िया। तो हम लोग आर को क्या लिख सकते हैं, तो आर लिख सकते हैं रूट में 64, इस प्रकार से। और आपको मालूम होगा कि अगर 8 स्क्वायर करोगे तो क्या आता है, 64, और जब इसका रूट ले लोगे आप, इन दोनों का ही रूट लोगे, क्या आएगा, 8 के बराबर आएगा। यानी कि ये 64 का जो रूट होगा बेटा कितना होगा, 8 होगा। ये सारी चीजें आपको मालूम भी होंगी आई थिंक, अगर किसी चीज को, हाँ अगर किसी बच्चे को इसमें परेशानी तो पूछ सकते हैं। अभी देखो आंसर नहीं आया, ये सिर्फ और सिर्फ क्या आया, अभी आर का मान आया है, ठीक, सिर्फ और सिर्फ आर का मान आया है, ये उत्तर नहीं है। तो उत्तर कैसे निकालेंगे, देखो आपसे परिमाप पूछा है, ठीक है, तो आपको एक सूत्र मालूम होगा कि क्षेत्रफल बराबर, ठीक है बेटा, क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे परिमाप, सॉरी आर होता है यहाँ, आर क्या गुणे, होंगे बता ठीक है अभी बता दिया जाएगा, आर गुणे परिमाप बटे 2, ये वाला होता है सूत्र। इस सूत्र में सारा मान रख दो जो भी आपको मालूम है। तो क्षेत्रफल का मान पहले से ही मालूम था, 64 पाई यहाँ पे रख दो। आर का मान यहां से देख लो, मैंने निकाल दिया है 8। परिमाप हमें निकालना था तो इसको ऐसे ही रहने दो, बटे 2। 8 को कट करोगे 2 से तो कितना आएगा बेटा, 4 आएगा, यानी कि 64 पाई बराबर 4 गुणे परिमाप, ठीक, कितना आएगा। तो जब आप परिमाप का मान निकालोगे तो ये जो 4 है ना बेटा,
इस 64 पाई को भाग दे देगा। ठीक, तो परिमाप बराबर, ठीक है बताना आप लोग, 64 को, ठीक है 64 को 4 से भाग दो कितना आएगा, 4 एकम 4, ठीक है 2 और 4 छक्का 24, ठीक है इस प्रकार से ये कट हो जाएगा, यानी कि 16 आएगा, 16। और देखो आप पाई तो बचा रहेगा ना बेटा, पाई तो कोई कट ही नहीं कर पा रहा है पाई को, तो 16 पाई आंसर आएगा। अतः विकल्प नंबर कौन सा सही है, तो विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। बच्चों क्या आपकी बात समझ में आ गई है, बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ गई, अगर हाँ तो वाई लिख दो और अगर नहीं तो एन लिख सकते हो आप लोग, ठीक है बढ़िया गुड ओके बेटा ठीक है सीखा। अगर कुछ प्रॉब्लम है पूछो, क्या आपको नहीं समझ में आया आप माइक ऑन कर लो सीखा, ठीक है माइक ऑन करके पूछ सकते हो आप जो भी आपका डाउट है, क्योंकि बेटा ये क्लास ओवर हो गई है, ठीक है क्लास ओवर हो गई है, और जैसा कि आपको मालूम होगा कि रिवीजन क्लास थी, तो रिवीजन क्लास में कोई भी होमवर्क नहीं है, सारा का सारा होमवर्क आप लोग कर चुके हो, आई मीन हम लोग उस होमवर्क खत्म कर चुके हैं, ठीक है हाँ। चाहो तो घर पे आप, ठीक है चाहो तो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ये क्लास यहीं तक थी बेटा, गुड नाइट।